नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालिच। आज ये सुपरफास्ट में बात होगी भारत के सफल शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ की। बात करेंगे टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को आए ईडी के बुलावे की। शिवपाल यादव ने बताया कैसे मिली जीत की। प्रकाश राज ने डेंगू से की सनातन धर्म की तुलना की। साथ ही जानेंगे संजय राउत का बीजेपी पर बड़े हमले की। संजय सिंह ने इंडिया अलायंस की जीत को लेकर किए बड़े दावे की। बारामूला से पकड़े गए लश्कर के 3 मददगारों की। बात करेंगे थाने में लिफ्ट गिरने से दर्दनाक हादसे की। और आखिर में बात होगी दिल्ली में बरसे बादल तो मौसम हुआ कूल की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। भारत मंडपम में हुआ ये सम्मेलन ऐतिहासिक रहा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। G20 सम्मेलन के पहले दिन यानी कि 9 सितंबर को 2 सत्र वन अर्थ और वन फैमिली और दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को 1 सत्र वन फ्यूचर का आयोजन हुआ। विश्व के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दिल्ली में जुटे तमाम वैश्विक नेताओं के सफल अध्यक्षता के लिए भारत की सराहना की। दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह में शामिल किया गया है। एक्सलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की है। थरूर के बयान पर अब बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने थरूर के बयान के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अच्छी बात है, वो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है, तो थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है।
उम्मीद करूंगा कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनके नेता भी जो विदेश में घूम रहे हैं, इसमें अच्छा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में इंडिया की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। ये बैठक एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर होगी। गठबंधन के नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर तंज कसा है। शिवपाल ने कहा कि राजभर और संजय निषाद के प्रचार से एसपी को ही फायदा हुआ। 2024 चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत से जनता उत्साहित है। देखिए, जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं चुनाव प्रचार में, और हम तो स्टार प्रचारक भी थे पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पर जनता तो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती थी, लेकिन सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जनता पर इस तरीके से दबाव था, तो फिर वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो हमने अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सबको मीटिंग करके सबको चुनाव में लगाया, और जहाँ जहाँ प्रेशर था सरकार का, मंत्री भी, तमाम मंत्री भी वहाँ पर थे। मंत्री लगभग होंगे 2-3 दर्जन, उसके बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, तो ये सब लोग थे। लेकिन जब हमारा वहाँ की जनता उत्साहित थी वोट देने के लिए, और दिया भी बाद में, तो जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें थीं, तो वहाँ पर हम लोगों ने एसएसपी डीएम से मिलकर के, फिर डीआईजी से लेकर के, सब लोगों से, प्रेक्षक से लेकर के, सब लोगों से मिलकर के, और फिर जब हमने प्रचार किया और प्रचार करके जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया और बड़ी जीत हुई वहाँ पर। सर, कहा जाता है आपकी वजह से जो है, देखिए जनता उत्साहित है वहाँ की, अब जीत पर उत्साहित है, और हमने और हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ की सही में जीत तो वहाँ की जनता की है। जनता ने इतना वोट कर दिया है, सभी वर्ग के लोगों ने इतना वोट कर दिया है, तो बड़ी जीत हो गई। सर, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि घोसी उपचुनाव में लगातार उन्होंने एनडीए को जिताने के लिए प्रचार प्रसार किया, तमाम रणनीति अपनाई। तो उनके बारे में तो देखिए पूरे प्रदेश के लोगों को पता है, और कई बार हम उनके बारे में बोल भी चुके हैं। देखिए, वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो, तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज्यादा मिला। जैसे ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पे तंज कस रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, चलिए उनके बारे में तो हमने देखे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे, तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बैरपीय समझो। सर, आगे 2024 के चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां की? देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से देखिए हमारे जीत मैनपुरी में हुई, फिर घोसी में हुई, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करके और 2024 का चुनाव लड़ेंगे,
अब भारतीय जनता पार्टी कितना भी नाम बदल ले, कुछ कर ले, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बता। अभिनेता प्रकाश राज ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे धर्म को तनातन कहने के चलते विवादों में आ चुके हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले भी उन्होंने इसरो के मिशन पर सवाल उठा दिए थे, जिसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई थी। हिंदुत्व पर राहुल गांधी के बयान के बहाने संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। दंगे कराना, जाति धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ना, ये हिंदुत्व नहीं है। हम इसे हिंदुत्व नहीं मानते। चुनाव से पहले पूरे देश में बीजेपी दंगा करवाना चाहती है। सतारा में एक बार फिर दिखा गया दो गुटों के बीच आगजनी हो गई है, तनावपूर्ण माहौल है सतारा का, कैसे देखते हो चुनाव से पहले ये सब? ये होगा ना, हमने तो पहले भी कहा था कि चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में दंगे करवाए गए लोग। चुनाव से पहले महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में लोग दंगे करवाना चाहते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, और उसकी शुरुआत ये लोगों ने कर दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। राहुल गांधी की ये जो इंटरव्यू है वो मैंने कल देखा, पेरिस के एक यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। राहुल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सत्ता का खेल है। देश के लोगों को भी यही लगने लगा है, सिर्फ दंगे करवाना, जात के धर्म के आधार पर लोगों को दूसरे से तोड़ना, आग छिड़कना सब जगह पे, इंडिया का भारत करना, ये हिंदुत्व नहीं है, उसे हम हिंदुत्व नहीं मानते। हिंदुत्व एक संस्कार है, हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक सनातन ऐसा धर्म है जिस धर्म ने हमेशा एक प्रोग्रेसिव मार्ग का स्वीकार किया है, सुधारणावादी मार्ग का स्वीकार किया है। ये धर्म सभी को साथ लेकर आगे बढ़ता है और ये धर्म डेमोक्रेसी को मानता है, लोकतंत्र को मानता है। अगर ये सब कुछ आपने खत्म कर दिया है तो हिंदुत्व के ऊपर बात करने का आपको अधिकार नहीं है, ये अगर राहुल गांधी जी कहते हैं तो उसके ऊपर भारतीय। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से इंडिया गठबंधन उत्साहित है। घोसी जीत को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है ये 2024 के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले एक बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, इससे लोगों में निराशा है। और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इसी बात का साफ संकेत है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता, सारे मंत्री और विधायक, राजभर जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, अपना दल, महान दल, सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और 1,24,000 वोट वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला, 43,000 वोटों से जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि अब जनता मन बना चुकी है,
भारतीय जुमला पार्टी को हटाने के लिए। और उपचुनाव के पूरे नतीजे को अगर आप देखते हैं तो यह भी साफ हो गया है कि इंडिया का गठबंधन जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगा, एनडीए को पराजित करेगा। इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। जो एनडीए सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन हराएगा, हटाएगा, तो इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। ये भी इस बात का संकेत है। बंगाल का उपचुनाव का नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम टीएमसी ने किया। 96,000 वोट मिले, 135,000 वोट झारखंड में मिले, जेएमएम का प्रत्याशी वहां से जीता। 124,000 वोट घोसी में मिले, 80,000 वोट केरल में मिले। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गठबंधन दल है उसका जो परिणाम है उपचुनाव का, ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना डर, इतना भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा तो आप देश का नाम ही बदल देंगे, कहेंगे ना हम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रविवार 10 सितंबर को एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। साथ ही लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन के 3 मददगारों को गिरफ्तार भी किया है। इनकी योजना युवकों को अपने संगठन में शामिल करने की थी। मुंबई से सटे ठाणे शहर के बालकुम परिसर में लिफ्ट गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक रूनवाल आयरन नाम की 40 मंजिला निर्माणधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से यह हादसा हुआ। इस 40 मंजिला इमारत का काम हाल ही में ये काम पूरा हुआ था और अब टेरेस पर वाटरप्रूफिंग का काम जारी था। इसी काम को खत्म कर मजदूर नीचे आ रहे थे तभी लिफ्ट का वायर टूट गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की है। दिल्ली में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। लगातार वर्षा का दौर जारी रहने से रविवार को तापमान और गर्मी में खासी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। सितंबर की बरसात का कोटा भी लगभग 70% तक पूरा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी हल्की से तेज वर्षा के दौरान बन सकता है। शनिवार को शुरू हुआ वर्षा का दौर सोमवार को भी जारी रहा।